सब गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई अब दिवाली आने वाली है, मतलब कि फेस्टिव सीजन आने वाला है और गाड़ियों पे भरपूर डिस्काउंट मिलने वाला है। रीजन बीइंग कि भाई साहब ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ की इन्वेंटरी थ्रू आउट द ऑल डीलर, मतलब थ्रू आउट द ऑल ब्रांड्स, मतलब कि 70,000 करोड़ की इन्वेंटरी स्टिल पड़ी हुई है डीलर के पास। तो डीलर भाई उन सबको अब निकालना चाहते हैं और दिवाली का एक ऐसा फेस्टिव सीजन होता है जहां पर कि ये सभी डीलर अपना मतलब गाड़ियों को निकालने के लिए भरपूर डिस्काउंट देंगे और ऐसे आकर्षक मतलब डिस्काउंट होंगे जहां पर आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि डिस्काउंट के चक्कर में लोग कोई उल्टी सीधी गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद फिर लाइफ टाइम पछताते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो 5 गाड़ियां जो आपको इस डिस्काउंट वाले सीजन में, इस फेस्टिव सीजन में बिल्कुल भी नहीं लेनी, उसको हाथ नहीं लगाना, अदरवाइज पछताते रह जाओगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी नंबर 1। तो जी सबसे पहली गाड़ी है टाटा की ऑल्ट्रोज रेसर। भाई साहब ये 5-स्टार गाड़ी है, इंजन भी पावरफुल है, लेकिन इसकी सेल बिल्कुल नहीं हो रही है। जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, मतलब कि मंथली सेल इसकी 400 से 500 यूनिट है, जो कि टाटा के हिसाब से बहुत ही कम है। इसका कारण है कि एक तो इसकी माइलेज कम है, एक तो इसका सेगमेंट जो ऐसा है ना कि मतलब इस प्राइस रेंज पे, मतलब इसका बेस मॉडल 9.5 लाख से शुरू होकर हाई मॉडल जो चला जाता है, जो हायर वेरियंट है, वो 13 लाख के आसपास है। तो 13 लाख की अगर कोई बंदा गाड़ी लगेगा लेगा ना, तो भाई वो एसयूवी क्यों नहीं लेगा, आजकल तो एसयूवी का जमाना है। अच्छा, इसमें स्पेस आपको कम मिलेगी, आपको माइलेज कम मिलेगी, फिर फर्दर अगर आप इसको रीसेल करना चाहोगे तो कस्टमर तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कोई इसको सेकेंड हैंड में लेने की, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए कि इमीडिएटली आपको ये गाड़ी वो ले ले। तो सबसे पहले तो यही है, आपको देखना है कि इस पे कितना भी भारी डिस्काउंट मिले आपको भाई हाथ नहीं लगाना। सीधी सी बात, एक तो आपके पैसे फंसेंगे, दूसरा आपको ये गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस गाड़ी पे हाथ नहीं डालना इस डिस्काउंट वाले सीजन में। चलिए गाड़ी नंबर 2। तो नेक्स्ट सेकंड कार है रेनो की काइगर। बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बहुत भारी डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि इसकी भी मतलब वही कहानी है, सेल इवन इसकी तो ऑल्ट्रोज से भी बुरी हालत है, सेल तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। कारण भाई बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल खराब है, इसमें जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो भी लो क्वालिटी का है, ठीक है। और जिन्होंने ले लिया है तो भाई वो तो पछता रहे हैं, इवन वो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हमने ले लिया गाड़ी, भाई अब इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उसके बाद वो लोग रीसेल भी नहीं कर रहे हैं। तो इस गाड़ी को मतलब इसमें तो आपको कम से कम 2-2.5 लाख का भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2-2.5 लाख के चक्कर में ये गाड़ी मत ले लेना। तो भाई तीसरी गाड़ी आ जाती है सिट्रोन की C3, और अभी ताजा महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया है भाई इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपने एड वगैरह देखी ली हुई इसकी सेल बढ़ाने के लिए। सेल तो भाई इसकी बिल्कुल ना के बराबर है ये गाड़ी, मुझे नहीं लगता, मतलब आप कहां देखते हो, मतलब कि आपको होता ना कि आप रोड पे निकल जाओ तो आपको 10 गाड़ियों में से एक गाड़ी दिख जाए, नहीं, ये तो ऐसा है कि आपको एक हफ्ते में एक गाड़ी दिखेगी, मतलब कि बिल्कुल भी सेल नहीं है। हाँ, इस गाड़ी की एक ही खासियत है भाई, इसका इंजन बहुत बढ़िया है, इंजन पावरफुल है, इंजन में कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंटीरियर थीम मतलब बहुत आउटडेटेड सी लगती है और लोगों की पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बंदा लेना भी चाहता है ना तो देख तो आते हैं लोग, लेकिन फाइनल डिसीजन के टाइम इसको निकाल देते हैं। तो इसकी अब सेल बढ़ने वाली है, रीजन बीइंग कि महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट कर लिया गया, दूसरा कि इस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन में आपको मिलने वाला है भरपूर डिस्काउंट। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस डिस्काउंट के लालच में ना भाई ये गाड़ी अभी मत ले लेना। देखिए, अगर तो कंपनी निकल गई इंडिया से बाहर तो इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे, माइलेज तो है ही नहीं, पार्ट्स सबसे बड़ी बात है कि अगर पार्ट्स कोई खराब हो गया, ठीक है ना, तो वो ये तो अब कंपनी तो भाई निकल चुकी है, तो अब ये बनाएगा कौन, तो लोकल वेंडर जो होंगे वो इसको बनाएंगे और औने पौने दाम पर भाई इसको सेल करेंगे। तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो चौथे नंबर की गाड़ी है मारुति की जिमनी। अरे आप बोलोगे ये कहां से आ गई भाई जो नहीं लेनी, इसकी तो फैन फॉलोइंग ही अलग है, लेकिन ये एक कंसेप्ट ऐसा है ना कि अगर आपके पास सिंगल एक गाड़ी रखने की ही जगह है, मतलब कि आपने एक ही गाड़ी लेनी है, आपने फैमिली के लिए भी लेनी है, आपने ऑफ रोडिंग के लिए भी लेनी है, आपके कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी तो होगी ना फैमिली, लेकिन फैमिली वाली गाड़ी नहीं है, अगर इसको ले लोगे ना तो भाई साहब बिल्कुल भी, मतलब देखिए एक बात बताऊं आपको, जब ये लॉन्च हुई थी
उसका प्राइस देखो और आज की डेट का प्राइस देखो, 4 लाख का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब कि अभी भी फेस्टिव सीजन में भी अगर 50,000 1 लाख और कम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप खुद समझो कि जब लॉन्च से पहले गाड़ियों का क्या हो रहा है कि लॉन्च हो रही है, उसके बाद क्या होता है प्राइस बढ़ रहा है। इसका उल्टा है, इसका है कि पहले लॉन्च हुई और उस मतलब भरपूर मतलब 15 लाख के बजट पे 15 लाख की रेंज में ये भाई लॉन्च हुई है और आज की डेट में 10.5-11-12 लाख के रेंज में आपको मिल जाएगी। मतलब कि 3-4 लाख का भारी डिस्काउंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी सेल नहीं है। लेकिन अगर जो बंदा फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहता है, मतलब कि फैमिली भी चले साथ में, कहीं उसने खुद की ऑफ रोडिंग करनी है वो भी हो जाए, तो इस प्रोस्पेक्टिव से ये गाड़ी सही नहीं है। अगर आपने इस टाइप की गाड़ी लेनी ही है ना, तो अभी अभी थार लॉन्च हुई है, थार की रॉक्स। भाई साहब क्या गजब गाड़ी है। अगर उसका रिव्यू देखना है मेरी पिछली की 3-4 वीडियो देख लेना, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या गाड़ी क्या उस गाड़ी में है और क्या नहीं है। मतलब वो गाड़ी और ये गाड़ी, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फैमिली को लेना है ठीक है और ऑफ रोडिंग भी करनी है तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी ले लेना थार रॉक्स, बट ये नहीं लेना, पछताओगे। तो भाई लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है MG की एस्टर। देखिए गाड़ी जब लॉन्च हुई थी, जो जो इंटीरियर उन्होंने दिया था, जो जो फीचर दिए थे, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ठीक ठाक थे। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बहुत ही कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिया था, नहीं, वो लग्जरी फील तो करा रहा था। लेकिन आज की डेट में ये गाड़ी हो चुकी है आउटडेटेड। अब रीजन ये है कि एक तो इसकी रीसेल बिल्कुल नहीं है, अच्छा कंपनी की भी सेल बहुत डाउन है, बहुत लोग इसको नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। पर्सनली मेरी लिस्ट में भी यही थी, लेकिन मतलब लास्ट में जब डिसीजन करने का टाइम आया तो भाई मैंने फिर लास्ट में चूज किया XUV 300। उस वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये गाड़ी अगर आप ले भी लोगे ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी रीसेल की। बाकी अंडर पावर्ड है, सीधी सी बात है। इसके जो अगर आप सेम रेंज में सेम प्राइस रेंज पर XUV 300 को देख लो, टाटा नेक्सोन को देख लो, उसके मुकाबले में ये थोड़ी सी नीचे सी गाड़ी लगती है। एक तो अंडर पावर है, दूसरी हैचबैक वाली फील आती है। मतलब इसको रोड प्रेजेंस अगर आप कहोगे ना कि हाँ इसकी बहुत बढ़िया है, तो नहीं, रोड प्रेजेंस भी नहीं है। और अगर ले ली तो उसके बाद आफ्टर रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेन 5 गाड़ियां ऐसी थी जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि बिल्कुल भी इस फेस्टिव सीजन में मत लेना, नहीं तो पछताओगे। अब इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनका फेसलिफ्ट आने वाला है अगले 3-4 महीनों में। तो जो इनका फेसलिफ्ट आने वाला है, तो उन वाली गाड़ियों में भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर के फेसलिफ्ट में जो जो फीचर्स या एड ऑन्स किए जा रहे हैं, अगर आपकी उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वो डिस्काउंट वाला मॉडल ले सकते हो जिसमें कि आपको डिजायर होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3-4 गाड़ियां और आने वाली हैं, तो जैसे मान लो डिजायर का आपको ये मॉडल सही लग रहा है ठीक है, और आपको इस पे 1-1.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है और गाड़ी में तो कोई शिकायत है ही नहीं, तो आप इसको इजीली ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लेना है फेस मॉडल के बाद वाला वेरिएंट, तो आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 महीने। तो इस पर्टिकुलर जो फेस्टिव सीजन है, इसमें फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों का भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है टोटल ओवरऑल आपके ऊपर। लेकिन जो लिस्ट में 5 गाड़ियां मैंने बताई ना, वो बिल्कुल भाई रिकमेंड नहीं करना, नहीं तो पछताओगे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।